सो वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है सो so, आज के सेशन में और आज है ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जुलाई सो लेट स्टार्ट द सेशन टूडे अच्छा ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जुलाई को क्या बोलते हैं आपको पता है अच्छा ना ईस्ट ना वेस्ट कीर्ति मैम बेस्ट की बेस्ट ज्यादा नहीं हो गया हम्म चले बढ़िया तो पहले तो आप लोग ये जान लीजिए की एक चीज होता है जिसको आप लोग कहते हैं पाई अब पाई में एक होता है अप्रोक्सीमेशन और एक होता है बस पाई अप्रोक्सीमेशन ठीक है तो अप्रोक्सीमेशन जो होता है ये कितना होता है ट्वेंटी टू बाई सेवन अगर आप ऐसे लिखेंगे ट्वेंटी टू बाई सेवन तो ये हो जाएगा ट्वेंटी टू जुलाई सातवां महीना है जुलाई तो आज पाई अप्रोक्सीमेशन डे कहलाता है अगर एक्यूरेट का देखेगा तो थ्री पॉइंट वन फोर 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 ऐसा होता है तो 14th ऑफ मार्च आपका पाई डे कहलाता है ठीक है पाई बोले तो पाई मतलब पता ही होगा अगर ये सर्कल है तो उसका सरकम कितना होता है टू पाई आर तो ये वाला हो गया पाई ठीक है क्लियर बढ़िया अब आज का जो सबसे बड़ा न्यूज है वो ये है कि ये तो नॉन टेक का बैच है ही खैर तो एस एस सी जेई का नॉन टेक का बैच आपका आ चुका है और फिफ्टींथ प्रेसिडेंट भारत की ये बन गई है द्रौपदी मुर्मू ठीक है द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो फिफ्टींथ प्रेसिडेंट बन गई हैं भारत की आज हम लोग इन पर दस क्वेश्चन करेंगे देखेंगे कि आपको अपने प्रेसिडेंट के बारे में क्या पता है अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक मेरा पॉलिटिका सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए रोज होता है वो बारह बजे ये होता है इंजीनियर अड्डा पे ठीक है ओके तो इसमें आपको पता है कि जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो पार्ट नंबर फाइव पढ़ेंगे जिसमें आप एग्जीक्यूटिव लेजिसलेटिव और जुडिशियरी पढ़ेंगे जब आप जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पढ़ते हैं पार्ट नंबर फाइव है 52 से 151 ठीक है जब आप ये वाला एग्जीक्यूटिव पढ़ते हैं तो ये है आर्टिकल नंबर 52 से 78 एट और 52 से 62 तक जो आर्टिकल हैं वो है आपका प्रेसिडेंट के ऊपर आर्टिकल नंबर 72 में बताया गया है कि अगर प्रेसिडेंट किसी को पार्डन करे अगर प्रेसिडेंट किसी को पार्डन करे तो पार्डन में कितने प्रकार हैं अगर पूरी तरह से माफ़ किया जाए तो उसको पार्डन कहते हैं आपका होमवर्क है क्योंकि ये बहुत बार मैंने बता दिया है रिमिशन किसको कहते हैं ठीक है कम्यूटेशन किसको कहते हैं सब इसी आर्टिकल में रिस्पाइट किसको कहते हैं और साथ ही साथ रिप्राइव किसको कहते हैं तो ये चार तरह का पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट के पास आपको ये बताना है कि ये चार तरह का क्या है मान लीजिए रिप्राइव में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है तो मैं ये बता दूं कि अगर आपको कोई सजा मिल गई है तो जो टाइम आपको मिलता है ना माफी मांगने के लिए आपको टाइम तो चाहिए अब कल मेरा हमको फांसी लगना है अभी तक हम कैसे विनती करेंगे प्रेसिडेंट से तब होगा ना कि हमको पार्डन कर दे प्रेसिडेंट तो विनती करने के लिए जो समय चाहिए उसको हम रिप्राइव कहते हैं ठीक अब बाकी तीन में आप बताइएगा मान लीजिए कि हम आपसे ऐसे पूछें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा इसीलिए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं तो आपसे क्वेश्चन किस तरह से आएगा एक अच्छे एग्जाम में रिप्लाई तो समझ गया क्वेश्चन आएगा ए बी सी ये हो गया रेस्पाइट हो गया कम्यूटेशन ये हो गया रिमिशन अब तीनों में क्या होता है कि ये सजा को कम करने का बात होता है माफ करने का नहीं माफ अगर पूरी तरह से कर दिया जाए तो उसको आप पार्डन कहेंगे ठीक है वन टू एंड थ्री आप लोग आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है ठीक है वन टू एंड थ्री तो या एक में अगर आपसे बोला जाए कि मान लीजिए कि हम सजा हमको मिला है फांसी का लेकिन क्योंकि हमने विनती की प्रेसिडेंट से कि हमको सजा कम कर दीजिए तो प्रेसिडेंट ने क्या किया कि मेरे सजा का फॉर्मेट चेंज कर दिया मतलब नेचर ऑफ मेरा सजा चेंज कर दिया तो हमको फांसी मिला था लेकिन हमको बोला गया कि आप उम्र कैद कर लीजिए क्या कैरेक्टर कैरेक्टर ऑफ मेरा सजा जो है वो बदल गया एक तो ये हो गया एक मान लीजिए कि हमको उम्र कैद का सजा मिला है और बिना मेरे सजा का कैरेक्टर बदले यानी कि कैद ही मिलेगा लेकिन कम हो जाएगा जैसे 10 साल का मिला तो कम हो जाएगा 5 साल हो जाएगा तो एक ये हो गया यानी कि मेरा सजा फिर से लाइट हो गया और इस बार इसमें नो चेंज ऑफ कैरेक्टर है इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया मेरे सजा का नेचर ही बदल गया अब एक और होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति आज हम बहुत अच्छा लग रहे ठीक है अगर कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है उनको सजा मिला हुआ है या कोई डिसेबल पर्सन है या फिजिकली कुछ उनको इशू है तो उनका क्या होता है कि उनको उस केस में एक अलग से इनका फॉर्मेट है तो लाइट हो जाएगा इनका जो भी केस है या जो भी पनिशमेंट है उसको लाइट कर दिया जाएगा समझ में आया तो ये ए बी सी है और ये वन टू थ्री है अब आपने क्या करना है आपको मैच द फॉलोइंग करना है पार्डन तो आप समझ ही गए कि पूरा ही माफ कर दिया जाए प्रेसिडेंट द्वारा तो पार्डन है और जो माफ नहीं किया गया है किसी को समय दिया गया है कि आप प्रेसिडेंट से विनती कर लीजिए ये रिप्लाई है ये सब आर्टिकल नंबर 72 में मैच द फॉलोइंग करके कोई भी अगर सीरियस स्टूडेंट है यहां पे तो प्लीज आप मैच द फॉलोइंग करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा अगर आपने नहीं अभी तक पढ़ा है तो प्रेसिडेंट जो है ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है प्ले में आप जाके देख लीजिए पॉलिटी का प्लेलिस्ट है ठीक है कल का जो टॉपिक था वो था प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चले बहुत बढ़िया नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये बन गए हैं फर्स्ट बिकम्स द फर्स्ट हंड्रेड परसेंट लैंड लॉर्ड पोर्ट मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया तो अब इसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया है प्राइवेटाइज कर दिया गया है अब आपने क्या जानना है कि अगर भारत है हमारा तो इसमें टोटल तेरह थर्टीन मेजर पोर्ट्स हैं, और आपको पता होना चाहिए वो मेजर पोर्ट्स का नाम पहला हो गया आपका कांडला पोस्ट जो कि गुजरात में है मुंबई हो गया ठीक है उसके बाद आपका जे एन पी टी हो गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो कि अभी देखना देखा आपने ये दोनों महाराष्ट्र में है ये आपका गुजरात में देखिए मैप जो है ना ज्योग्राफी में भारत का मैप बहुत 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 इंपॉर्टेंट है खासकर भारत का तो आपने उसको याद होना चाहिए आपको ठीक है फाइन फिर आपने देखना है कि ये दोनों हो गया आपका फिर एक हो गया मारमा गांव मारमा गांव जो है ये है गोवा में एक हो गया मैंगलुरु ये हो गया कर्नाटका में ठीक है तूती कोचिन केरला इन्नौर चेन्नई तमिलनाडु विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश प्र, पारादीप उड़ीसा और हल्दिया पोर्ट है हल्दिया पोर्ट है कहाँ ये आपका वेस्ट बंगाल तो आपके पास टोटल तेरह पोर्ट है राइट इसको आपको पता होना चाहिए बाबू पोर्ट ब्लेयर जो है ना वो नाम है दैट इज नॉट अ पोर्ट फाइन वो नाम है और वो आपका अंडमान है निकोबार का राजधानी है एक और बात आपको पता होना चाहिए कि देखिए जैसे ये जो भारत है इसमें जो वेस्टर्न पोर्शन है ना ये बहुत जिग्जैक्ट जिग्जैक्ट है और ये कुछ इस टाइप का है तो जो भी शिप्स होते हैं ना उनको लैंड करने के लिए एक प्रॉपर ये जिग्जैक्ट जग्जैक्ट -जिग चाहिए अगर आप इंग्लैंड को देखेंगे तो इंग्लैंड का जो पूरा कोस्टल लाइन है वो बहुत ज़्यादा जिग्जैक जिग्जैक है जिग्जैक से क्या होता है ये अपने आप में एक नेचुरल हार्बर बन जाता है जब यह नेचुरल हार्बर बन जाता है तो जिग्जैक होने के कारण शिप जो है इसमें आराम से जाकर लैंड कर जाता है क्लियर है यहां तक समझ में आया फिर वन मोर थिंग जो कि पूछा जाता है यह है इंडिया तो इंडिया के पोर्ट्स को हमने डिवाइड मतलब कोस्टल प्लेन को डिवाइड किया है एक हो गया आपका काठियावाड़ फर्स्ट फिर आपका हो गया कौन सा कोनक फिर हो गया आपका कन्नड़ फिर आपने देखा है कौन सा ठीक, ये ज्यादा नेचुरल नहीं है ठीक है मालाबार उतना ज्यादा नेचुरल नहीं है फिर यहां पर हमने जब डिवाइड करना है इसको तो इसको भी हमने डिवाइड करना है एक हो गया आपका नॉर्थ सरकार काफी बार इसको हम बता चुके हैं सबको और नीचे वाला हो गया आपका कोडो मंडल ठीक है कोडो मंडल क्लियर गाइस अब इसको भी हमने डिवाइड करना है तो ऊपर वाला आपका हो गया उत्कल जो कि ओडिशा में पड़ेगा नीचे वाला हो गया आपका आंध्रा ठीक है क्लियर आप एक मैप लीजिए इंडिया का इस क्वेश्चन में आपका होमवर्क क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन में आपका होमवर्क होना चाहिए कि लेक कौन सा कहाँ है ये आप बताइए बहुत बार पूछा गया है एक हो गया आपका सुकना लेक जो कि आज भी मतलब ये क्वेश्चन अभी इस साल भी बहुत बार एग्जाम में आया है एक हो गया आपका पुलिकट लेक ठीक है सांभर लेक पता होना चाहिए कहाँ है उसके बाद सांभर लेक हो गया डल लेक ठीक है ये सब कुछ लेक चिलिका लेक चिलिका लेक ये पता होना चाहिए कि ये सब लेक जो है वो भारत में इन इंडिया मैप मैप ऑफ इंडिया कहाँ पर है काफी बार ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा कहां है बहुत बढ़िया कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बता रहे हैं हम नहीं बताएंगे आपको बताना है बिल्कुल सांभर तो राजस्थान में है चिल्का उड़ीसा में है डल जम्मू एंड कश्मीर में है ठीक है पुलिकट कहाँ है आंध्र और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है सुकना कहाँ है पंजाब में या हरियाणा में कहाँ है सुकना ऑलमोस्ट बता ही दिए चले ठीक है तो यहाँ तक आपने बात क्लियर हो गया आपको चले बढ़िया नेक्स्ट है थर्टीन पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग बिगिन इन जर्मनी तो क्लाइमेट डायलॉग हो रहा है और ये जर्मनी पे हो रहा है इसको आपको याद रखना है पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग है ये इसरो हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम फ्रॉम थर्टी फोर डिफरेंट नेशन सेंस तो ये पुराना है कि अभी तक हमने काफी सारे काफी सारे ऑलरेडी स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया हुआ है डिजी इंश्योरेंस लॉन्च पे एज यू ड्राइव फॉर मोटर इंश्योरेंस तो आप अपना मोटर इंश्योरेंस करवा सकते हैं डीजी इंश्योरेंस ने डिजिट इंश्योरेंस ने इसको शुरू किया है बहुत ज्यादा हीट वेव के कारण इंग्लैंड अंडर इट्स फर्स्ट एवर रेड वेदर वार्निंग तो इंग्लैंड में बहुत ज्यादा हीट वेव आ गया है ठीक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन टॉप किया है तो इनोवेशन में कर्नाटका टॉप किया है उसके बाद मणिपुर है उसके बाद चंडीगढ़ है तो इन तीन जगह ने टॉप किया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में एक यूएस डॉलर वन बिलियन का लोन मिला है हम लोगों को वर्ल्ड बैंक से और यह प्रधानमंत्री अभीम योजना के लिए है दैट इज आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन काफी बार हम लोगों ने आयुष्मान भारत वगैरह पढ़ा है ठीक है क्या ओके okay. टू थाउजेंड एंड सेवेंटी टू ऑफ दोस्टी नीडी डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा जरूरत का डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने उनके लिए शुरू किया है नशा मुक्त भारत अभियान तो बहुत सारा ऐसा जगह है जहां पे ड्रग्स वगैरह का बहुत यूज हो रहा है तो नशा मुक्त भारत अभियान गवर्नमेंट ने शुरू किया है ठीक अब क्योंकि आपको पता है कि हमारी प्रेसिडेंट बन चुकी हैं नहीं कल का ही न्यूज है कल इलेक्शन होना था तो आप कुछ प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनसे रिलेटेड कुछ सवालों का जवाब देंगे इनके इलेक्शन में वैसे कितने लोगों ने पार्ट लिया होगा इनके इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड लोग नॉमिनेटेड लोग नहीं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देता है ना पार्लियामेंट में उन लोगों को नहीं इलेक्टेड एमपीओ ने भाग लिया होगा एमपी इलेक्टेड एमएलए ने भाग लिया होगा एमएलए ठीक है इलेक्टेड एमएलए ऑफ जितने भी स्टेट है हमारे उसके एमएलए यानी कि विधानसभा और इलेक्टेड एमएलए एल कहाँ के दो यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुडुचेरी क्योंकि इन दोनों जगह क्या है विधानसभा है इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा तो द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो किस पार्टी की हैं तो ऑब्वियस बात है कि द्रौपदी मुर्मू जी किस पार्टी की होंगी तो द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो होंगी भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी की द्रौपदी मुर्मू जी गवर्नर रह चुकी हैं, किस स्टेट की भारत की सेकंड है फर्स्ट आदिवासी दलित हाँ बिल्कुल आदिवासी हैं, एसटी। किस स्टेट की ये गवर्नर रह चुकी हैं? ये झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी नेक्स्ट व्हेन वाज द्रौपदी मुर्मू इलेक्टेड एज काउंसिलर ऑफ रायनगर ना राय नगर पंचायत या राय रंगपुर पंचायत राय रंगपुर पंचायत तो ये 1997 में बनी थी काउंसलर हाँ वो उड़ीसा में ठीक है विच अवॉर्ड वॉज रिसीव्ड बाई द्रौपदी मुर्मू एंड आर प्रेजेंटेड बाई ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली तो ओडिशा जिसका कैपिटल भुवनेश्वर है यहां पर अवार्ड दिया गया था द्रौपदी मुर्मू जी को आपको बताना है किस एवॉर्ड से सम्मानित किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी को नीलकंठ एवॉर्ड से सम्मानित किया गया है बिल्कुल आदिल आपसे तो काफी बार बात हो चुका है हाँ तो वुमेन गवर्नर ऑफ झारखंड अगर आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड की अभी फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन रह चुकी हैं तो आप बोलेंगे कि द्रौपदी मुर्मू रह चुकी हैं ओके फाइन हु द फर्स्ट फीमेल ट्राइबल लीडर फ्रॉम ओडिशा फीमेल है ट्राइबल okay. है एस टी कम्युनिटी की अच्छा साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए जो हमारा संविधान है उसमें कुछ शेड्यूल्स हैं शेड्यूल कौन कौन से शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब के लिए तो फिफ्थ शेड्यूल जो है वो आपका शेड्यूल एरिया के लिए है पूरे देश में और जो सिक्स शेड्यूल है ये ए टी एम के लिए है असम त्रिपुरा मिजोरम और मेघालय के लिए है। ठीक है ओके तो यहां पे द्रौपदी मुर्मू जी हैं रह चुकी हैं किस साल द्रौपदी मुर्मू जी वॉज एवॉर्डेड एज द बेस्ट एमएलए तो ये बेस्ट एम एल ए बन हो गई हैं बन चुकी थी ठीक है तो आप बताएं कि किस साल ये बनी थी गाइज आप लोग सेशन को ना थोड़ा सा एक बार लाइक कर सकते हो बहुत सारे बच्चे सेशन को लाइक नहीं किए तो यू कैन जस्ट लाइक द सेशन गिव मी अपने जिंदगी का एक दो सेकेंड निकाल के जल्दी से लाइक कर दो ओके तो ये है 2007 द्रौपदी मुर्मू जी 2007 में एमएलए बन चुकी हां जी नेक्स्ट है कि इनको कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज मिला था कब इनको मिला था कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज यस वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन तो इनको कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज मिला था 6 मार्च 2000 से लेकर सिक्स अगस्त 2002 तक ये दो साल के लिए कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज इनको मिला था द्रौपदी मुर्मू सर्व एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच पार्टी तो कौन सा ऐसा पार्टी है जहां पे ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं हाँ बिल्कुल तुषार तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो हो जाएगा ठीक है तो ये वनी है हाँ बिल्कुल मैंने देखा है कि क्या नहीं करेंगे लाइक like, आप पेड कोर्स वाले के क्वेश्चन लेते ऐसा कुछ नहीं मेरे को तो याद भी नहीं रहता है। कौन है कौन नहीं भारतीय जनता पार्टीज शेड्यूल्ड ट्राइब मोर्चा इस पार्टी की ये प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं ठीक है ठीके? और सेकंड प्रेसिडेंट वो फीमेल प्रेसिडेंट इंडिया की कौन बनी है तो फीमेल प्रेसिडेंट इसके पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और अब बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू फाइन ओके चले तो अब एक चीज शुरू करते हैं पहले आपको ये बता देते हैं फिर हम लोग आपका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे तो अर्मेटिस मैंने आपको बोला था कि आपको आर्मेटिस के बारे में पढ़ना है अर्मेटिस जो है वो नासा द्वारा शुरू किया गया है किसके द्वारा शुरू किया गया है आर्मेटिस नासा द्वारा पब्लिश किया गया है तो ये जो आर्मेटिस प्रोग्राम है इसका प्लान है कि ऑलरेडी लोग आदमी तो जा चुके हैं स्पेस मतलब चांद पे तो मैन यानी कि नेक्स्ट मैन को ये भेजेंगे और फर्स्ट वुमेन को भेजेंगे कहा लूनर का मतलब क्या होता है मून ठीक है लूनर का मतलब क्या होता है मून तो ये लोग मून पे भेजेंगे किस साल भेजेंगे 2024 तक तो अगर आपसे पूछा जाएगा किस साल तक आर्मेटिस मिशन के अकॉर्डिंग जो हमारा नेक्स्ट मैन और फर्स्ट वुमेन जाने वाली है स्पेस में किस साल तक जाने वाली है तो आप बोलेंगे दो तक और नाइनटीन में ऑलरेडी क्या हो चुका है 1972 में अपोलो लूनर मिशन ऑलरेडी हो चुका है स्टार्ट फाइन यहां तक समझ में आ गया आपको फिर आप देखें कि ये जो अर्मेटिस है वेन द अर्मेटिस प्रोग्राम नासा विशेष टू डिमॉन्स्ट्रेट न्यू टेक्नोलॉजी तो नए टेक्नोलॉजीज हैं कैपेबिलिटीज़ हैं बिजनेस अप्रोचेस हैं जो कि दैट विल अल्टीमेटली बी नीडेड फॉर फ्यूचर एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स को भी ये यूज करेंगे अर्मिटिस के लिए मतलब अर्मिटिस जो है वो मून के लिए अभी है और फिर मार्स के लिए भी देखा जाएगा इट स्टैंड फॉर एसेलरेशन रिकनेक्शन एंड टर्बुलेंस ठीक है तो ये बढ़ा एसेलरेशन यानी बढ़ाना रिकनेक्शन यानी कि कनेक्ट करना टर्बुलेंस यानी कि थोड़ा ज्यादा रैपिड वे में एक्सपोरेंशली चीजों को करना इलेक्ट्रोडायनमिक्स ऑफ द मून इंटरक्शन विद द सन तो सन के साथ जो भी इनका इंटर होता है ऊपर होता है नीचे होता है आंधी तूफान जो भी आता है उसको ये रीड करेंगे आर्मिटस 1 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका होगा 2021 में ठीक है तो अब ये तो पुराना हो गया 2021 की बात आर्मिटस 2 आया 2023 और आर्मिटस 3 2024 तो 24 वाले में लोगों को स्पेस में भेजा जाएगा अब इसी की तरह हमारे पास भी मिशन है चांद के लिए चांद ऐसा तो तुम लोग के हर के फोन में भी होगा चांद यार देखो यार स्पैम स्पैम करने का कोई मतलब नहीं है सुबह-सुबह का टाइम है दिमाग को ना बहुत ही सुबह का टाइम कहते हैं ऐसे तो अब तो बहुत ज्यादा भोर भोर वाला बात बह नहीं बहुत ज्यादा हो गया आठ नौ बज गए सुबह का टाइम कहते हैं कि ना दिमाग में तुम जैसे-जैसे थॉट्स और आइडियाज लेके आओगे तुमको पूरा दिन वैसे ही जाएगा और एक-एक दिन नीमत है आपके लिए पढ़ाई करने के लिए राइट हां बिल्कुल राज्य प्रेसिडेंट लिखा आया है एनडीए नहीं लिखा है ठीक फाइन तो गईज चंद्रयान ये मिशन शुरू हुआ था 2007 में यह चंद्रयान मिशन इसरो और रशिया का रॉस रॉस कॉस जो वहां का स्पेस एजेंसी उसका एक म्यूचुअल कोऑपरेशन था तो चंद्रयान मिशन कब शुरू हुआ था 2007 में शुरू हुआ था इसरो और रशिया ने मिलकर इसको शुरू किया था लेकिन इस मिशन को पोस्टपोन किया गया कब तक 2013 में इसको पोस्टपोन किया गया और फिर रिशेड्यूल किया गया 2016 में क्योंकि रशिया नहीं कर पाया हमारा लैंडर को डेवलप टाइम पे ठीक है फाइंडिंग जो हमको चाहिए था यहां से हमको पानी खोजना है मून पे है ना और एविडेंस ऑफ लूनर केव फॉर्म बाय एन एंशंट लूनर लावा फ्लो तो एंशियट लूनर लावा फ्लो का एविडेंस खोजना है अब लावा फ्लो का क्या मतलब है तुम लोग सोचोगे क्या मैम वहां पे भी वॉलकैनो और ये सब आता है बिल्कुल आता है तो अगर ये आपका मून है ठीक है और इसके अंदर भी हो सकता है वही चीज़ हो जो हमारे सन के अंदर है तो मतलब हमारे अर्थ के अंदर है क्यों क्योंकि बहुत समय की बात है कि ये हमारा प्यारा सा अर्थ था इस पर कोई चीज़ आकर टकराया और ये फिर उसके साथ ऐसे ऐसे करके घूमने लगा इस शेप में और फिर टूट कर कुछ अलग हो गया ऐसा अलग हुआ कि आज तक हमारे साथ ही चलता है तुम लोग की भी चांद साथ में ही चलती होगी खैर तो ये अर्थ के ऑर्बिट में ये हमेशा चलते रहता है उससे बाहर निकल ही नहीं पाया तो मून का फाइंडिंग से ही हम लोगों को अर्थ के बारे में पता चलता है क्योंकि अर्थ जो है वो मून से ही मतलब मतलब ऑलमोस्ट दोनों का कैरेक्टर सेम है मून जो है अर्थ से ही बना हुआ है फाइन नेक्स्ट तो यहां तक आपने पता कर लिया कि हम लोग को क्या चाहिए हम लोग वहां पे एविडेंस देख रहे हैं जो भी लावा या लूनर वाटर आता है उस चीज का फिर आप देखिए पास्ट टेक्टोनिक एक्टिविटीज जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुआ था जो हमारा अर्थ को एक आ सकता था मून पे ठीक तो उसके फॉल्ट यानी कि जो दरार पड़े होंगे जो फ्रैक्चर्स पड़े होंगे उसको हमने ऑलरेडी डिस्कवर किया हुआ था पास्ट इंटीरियर टेक्टोनिक एक्टिविटीज जो है वो हमने डिस्कवर किया हुआ था क्यों ये मेटेरॉयट से आए होंगे जो भी उल्का पिंड क्योंकि आपको पता है कि मून के पास एटमोसफेयर तो है नहीं तो उल्का पिंड जलते नहीं होंगे हमारे धरती पे उल्का पिंड मीजोस्फेयर में पड़ते ही जलना शुरू कर देते हैं तो इसीलिए वो टेक्टोनिक वो दरार आए उसके बाद हमने क्या किया हमने चंद्रयान टू को लॉन्च किया चंद्रयान टू ने क्या करा कि इसमें औरबाइटर था और लैंडर था लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम था ठीक है और फिर फाइनली क्या आया चंद्रयान थ्री आया यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ठीक अब आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो अभी इस वीक हम लोगों ने रिवाइज किया है डिटेक्ट टेक्नोलॉजी एंड आई मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप तो किसने अभी अभी डिटेक्ट टेक्नोलॉजीज़ को शुरू किया है जो कि आईटी मद्रास के साथ चलेगा तो यह है आपका वेदांता हाँ सेम और वेदांता कोई वेदांता नहीं कर रहा है ठीक है एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया टू इनेबल द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ एथलेटिक्स ग्रुप इन इंडिया तो एथलीट फेडरेशन इन इंडिया जो है वो किसके साथ मिलकर यहाँ पर यूज कर रहा है बढ़ा रहा है चीजों को यह है रिलायंस रिलायंस के साथ मिलकर ये जो एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो होलिस्टिक ग्रोथ की बात करता है टेलीकॉम ऑपरेटर भारतीय एयरटेल ने अभी अभी अपना मतलब 7.1 करोड़ का इक्विटी शेयर दिया है किस कंपनी को तो ये कंपनी आपका गूगल गुड आ रहे हैं आप लोगों के आंसर्स फर्स्ट एवर मंकी पॉक्स केस कहां पे रिपोर्ट किया गया था भारत में तो ये सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन टू क्वेश्चन जल्दी जल्दी आंसर दो काम इसको करना ही होता है मिस नहीं कर सकते तो करके खत्म करते हैं केरला है ये ट्रेड डेफिसिट है यूएस डॉलर बिलियन का है ये है आपका टू पॉइंट ट्वेंटी सिक्स पॉइंट वन बिलियन का ठीक है यूएस डॉलर ट्वेंटी सिक्स पॉइंट वन बिलियन का ब्रिटिश पार्लियामेंट तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में किस इंडियन कैप्टन को फैलिस सौरभ गांगली जी को फेलिसिटेट किया गया है उनको अवॉर्ड मिला है वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है गाइज ये मनाया जाता है पंद्रह जुलाई को पंद्रह जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल मनाया जाता है महाराष्ट्र गवर्नर भगवंत भगत सिंह खोशियारी जी ने अभी अभी मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया है 2021 के लिए यह अवार्ड किसको मिला है हाँ दिया मिर्जा ठीक है उसके बाद एग्रीकल्चर मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अपना प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है अंडर किस चीज के ई कृषि ई ई मार्केट कृषि तो उसको लॉन्च किया गया है e है के अंडर ठीक जापान के एक फॉर्मर प्रधानमंत्री का निधन हुआ और पोस्ट थॉमसली यानी मरणोपरांत उनको सम्मानित किया गया जापान के सबसे बड़े जापान के सबसे बड़े ऑर्डर द कॉलर ऑफ सुप्रीम ऑर्डर और ये है सिंजो अबे जिनसे जिनको सम्मानित किया गया नेक्स्ट कितने मेडल्स हमने जीते थे रेसलिंग में तो आप जानते हैं 22 मेडल्स हमने जीते हैं जो मनामा बहरेन में हुआ है इंटरपोल को ज्वाइन करने वाला कौन सा देश 68 देश बन गया है ये इंडिया इंडिया 68 देश बन गया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनोग्रेट किया है देवघर में एयरपोर्ट किस स्टेट में है दिवघर देवघर तो यह है आपका झारखंड में सोन नदी बिहार से बिहार में जाकर गंगा से मिलती है और कोशी नदी को बिहार की शोक नदी कहते हैं झारखंड और बंगाल की शोक नदी है दामोदर नदी ठीक है चेयरमैन एंड एमडी ऑफ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी कौन है तो ये है ब्रजेश कुमार उपाध्याय हां ब्रजेश कुमार उपाध्याय कॉमनवेल्थ में भारत को कौन लीड कर रहा है हरमनप्रीत कौर जी लीड कर रही है वुमेन क्रिकेट टीम की कैप मतलब क्रिकेट टीम की कैप्टन है पार्लियामेंट बिल्डिंग का नया कास्ट जो है वो कौन करेगा उसका उद्घाटन मोदी जी ही करेंगे उद्घाटन ठीक है और फिर है कि हुजन मेडल एट आई एस एस एफ वर्ल्ड कप इन साउथ कोरिया साउथ कोरिया में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है ये जीता है अर्जुन बबूता अर्जुन बबूता ने इसको जीता है ठीक है ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल जी का निधन हुआ है ये भारत में कंप्यूटर्स के फादर माने जाते हैं कि इंटरनेट के कि मोबाइल के कि ई मेल के ये इंटरनेट के फादर माने जाते हैं तो थोड़ा जल्दी बताइए कल का ही सारा सेशन क्वेश्चन कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन अपना करेंसी छोड़कर यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने वाला कौन सा कंट्री बन गया है अभी अभी ज्वाइन करेगा ये कंट्री है आपका क्रोएशिया डबल डेकर ब्रिज ठीक है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज बन जाएगा भारत का है ये ये आपका नागपुर में बनेगा नागपुर में यह बनेगा नागपुर मेट्रो में ठीक है ओके चले राइट टू रिपेयर तो होपफुली आपका अच्छा गया होगा यह वाला क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको पता थे राइट टू रिपेयर शुरू हो गया है है ना वैसे राइट right जो है फंडामेंटल राइट हम चाहते हैं रटा जाओ तुम लोग का पार्ट थ्री में है राइट फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर ट्वेल्व टू आर्टिकल नंबर थर्टी फाइव ओके अच्छा कल हम कल का जो सेशन किए होंगे पॉलिटी का उनको हम बताए थे कि आज हम एटोर्नी जनरल पे क्वेश्चन करेंगे क्या तो अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में है गाइज ठीक देखो कितने सारे क्वेश्चन अभी आपको करने ज्यादा ही पीछे नहीं चले गए हम लोग हाँ सही है तो आप बताइए कि अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में है आर्टिकल नंबर सेवेंटी सिक्स में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ठीक आज अटॉर्नी जनरल करेंगे करेंगे बारह बजे रहिएगा वहां पे निधि खतरी राइट टू रिपेयर इन्होंने शुरू किया है एस सी ओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सिटी ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म कौन सा कैपिटल बन गया है यह है बनारस आरबीआई और किस बैंक ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए अभी रिसेंटली इंडोनेशिया थोड़ा सा बकअप जल्दी आंसर देना है

अभी-अभी इसको स्लीट है ये और लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट सेवनटीन ए के तहत ये राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अनाउंस किया है कितने मेंबर भारत की तरफ से जाएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तो भारत की तरफ से टोटल 322 मेंबर्स जाने वाले हैं ठीक है फोर्टी फर्स्ट विला डी बेनास की इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट स्पेन में हुआ स्पेन जो कि मोड़क को स्पेन के बीच में बताए थे स्ट्रेट ऑफ तो ये अरविंद चिदम्बरम जो है वहां गए भारत का फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम ये राजीव गांधी सेंटर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर जुलाई 2022 में इसको डाला गया है रोबोट का नाम है एसएस मंत्रा निर्मल सिंह खलौन जी का निधन हुआ है जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर रह चुके हैं पंजाब के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर रह चुके हैं एनडीए ने सिलेक्ट किया है अपना वाइस वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट प्रेसिडेंट 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 को दिलाते को ओथ ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं ठीक है थीके? तो ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं जगदीप धंकर जी जुलाई 2022, फिनटेक स्टार्टअप वन कार्ड यह भारत का यूनिकॉर्न बन गया है अगर किसी के पास यूएस डॉलर बिलियन से ज्यादा का है, है, तो वो एक बन जाता है और ये 104, 104 बना है। कौन सा, सा स्टेट एंड यूटी है जिसने अपना ओन सर्विस इंटरनेट सर्विस प्रोवाग शुरू, प्रोवाग शुरू कर दिया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इनको लाइसेंस दिया है यह है केरला ठीक है। फर्स्ट एवर नेल्सन मंडेला डे किस दिन मनाया जाता है 18 जुलाई को मनाया जाता है क्या हो गया सुस्त हो गया तुम लोग बाका इंटरनेशनल जस्टिस दिवस किस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल क्रिमिनल एक्ट्स के खिलाफ 17 जुलाई को मनाया जाता है ठीक है बांग्लादेशी क्रिकेटर है जिनका नाम है तमीम इकबाल जी इन्होंने अपना अनाउंसमेंट अभी अनाउंस किया है अनाउंसमेंट अनाउंस किया, किया all round, uh, all है रिटायरमेंट अनाउंस किया है ठीक है इंग्लैंड के ऑलराउंड ऑलराउंडर है बेन स्ट्रोक बेन स्ट्रोक ने भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है और वेस्ट इंडीज़ के हैं ठीक है दिनेश रामदीन और साइमन्स uh, इन्होंने भी अनाउंस कर दिया अपना रिटायरमेंट लॉस एंजल्स में दो का समर ओलंपिक्स होने वाला है आप बताइए दो का समर ओलंपिक कहाँ होने वाला है प्लीज कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दीजिएगा मिराज अहमद जो कि क्या करते हैं ये स्कीट करते हैं स्कीट यानी कि एयर राइफल शूटिंग करते हैं शूटिंग करते हैं इन्होंने हिस्ट्री बना दिया है भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर ठीक है हिस्ट्री बना दिया है भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर कोरिया में 2025 बिल्कुल 2024 का पैरिस में होने वाला है दो का वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप भी टोक्यो जिसने 2020 में ओलंपिक्स को होस्ट किया था 2020 के ओलंपिक्स को 2021 में होस्ट किया था तो टोक्यो ओलंपिक स्टेडियम में यह आपका एथलीट चैंपियनशिप होने वाला है आर प्रज्ञानंद इन्होंने अभी जीता है पारासिन ओपन ठीक है आर प्रज्ञानंद जो कि मैग्नस कार्लसन को हरा चुके हैं चेस में नंबर वन प्लेयर ओके गाइस नाउ यू विल से यू एन डी पी फॉर डेटा इन क्लाइमेट रिजेलियंट एग्रीकल्चर तो ये डिकड़ा जो है ये किस स्टेट में है साथ ही साथ जो स्टूडेंट बता सकते हैं बार बार ये क्वेश्चन आता है कौन से गैस ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं विच आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस क्या लगता है कौन से ऐसे गैस है जिनको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं या बताइए फटाक से कमेंट सेक्शन में यह है तेलंगाना आज एक्चुअली इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज आपका तीन बजे जो सी और सी और एफ कैट के लिए जो एक क्लास होता है उसमें आज का टॉपिक है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट तो जो भी चीजें जो भी नए ब्रीड्स आए हैं चाहे वो फ्लोरा में हो चाहे वो फोना में हो और जितने भी प्रोटोकॉल्स जो इंपॉर्टेंट रहे न्यूज में कन्वेंशनस रहे एनवायरनमेंट से थोड़ा लंबा हो सकता है वो सेशन तो वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ओके okay, गाइज जी। ओके okay, एक दो बताने से कोई फायदा नहीं होता है ठीक है ऑप्शन में कंफ्यूज कर जाओगे बताना है जो सारे बताओ हाँ तो ये जो ह्यूमन एनुअल ह्यूमन राइट रिपोर्ट है इसको मेटा ने रिलीज किया है टेक जाइंट है किलो क्लास सबमेरिन किलो क्लास सबमेरिन यहां पे आप बताएं कि किसने तो मतलब 35 साल के सर्विस के बाद कौन सा डी हो गया है सिंधुराज देखो कार्बन डाइऑक्साइड दे बेटा सबको पता है लेकिन जब तक तुम फाइनल सारे नहीं बताओगे ना तो ऑप्शन में ऐसे ही आएगा कि एस एफ सिक्स भी आ सकता है एच सी एफ भी आ सकता है सी एफ सी भी आ सकता है तो वो पता होना चाहिए फाइन नहीं पता है तो तीन बजे हम लोग आज एनवायरमेंट में थोड़ा बेसिक से शुरू करेंगे ठीक है एविएशन पैसेंजर्स चार्टर ये अभी यूके ने इसको शुरू किया है एम डी एन सी ओ कौन हो चुके हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मतलब ऐसा नहीं है कि वो एफकेट सी डी एस और सी के लिए सारे लोग देख सकते हैं तो दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाले सेशंस चलते हैं वो मैं फिर से बता दूं ये तो एक सुबह आठ बजे करंट अफेयर्स चलता है तो यहां पे आप जानते हैं कि बारह बजे क्या चलता है यहां जीके स्टैटिक चलता है तो वहां पॉलिटी चल रहा है आज अटॉर्नी जनरल है मंडे से हम लोग पार्लियामेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करने वाले हैं और तीन बजे जो आपका होता है तीन बजे ये आपका मतलब जो मिसलेनियस चीजें होती है ना जो उसका जीके और करंट अफेयर्स से दोनों से संबंध होता है ये होता है तो ये वाला आपका डिफेंस पे होता है और ये वाला आपका इंजीनियर्स पे होता है फाइन तो दोनों आपके एग्जाम्स के लिए सही बता रहे हैं रामबाण एकदम एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये दोनों सेशंस बनाए जाते हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स में तो फिर भी ये होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो नहीं भी आएंगे लेकिन करंट अफेयर्स का मतलब होता है आपको पता होना चाहिए तो इसलिए डालना होता है है ना आशीष कुमार चौहान जी जो हैं वो बन गए हैं होस्ट सिटी फॉर द वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियन तो होस्ट सिटी है टोक्यो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं आएंगे लेकिन ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आएंगे और यहाँ नहीं बताए जाएंगे ठीक है तो इसलिए बार बार आपको रिवाइज करना होता है चलिए रजत का आंसर आया है ग्रीन हाउस गैस को लेकर सी ओ टू सी एच फोर एन टू ओ पर फ्लोरोबन और एस एफ सिक्स ओके नाइस 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 दोनों यूट्यूब पे है गगन दोनों यूट्यूब पे ठीक है ठीके? तो के वी आई सी ये मनोज कुमार जी यहां पे चेयरमैन बन गए हैं और टेनिस हॉल ऑफ फेम में अभी अभी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर को हेवेट जो है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर को डाला गया है वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होने वाला है ऑपोजिशन कैंडिडेट कौन है तो ऑपोजिशन कैंडिडेट कौन है तो मार्गरेट एल्वा जो है ये बनी है ऑपोजिशन कैंडिडेट ठीक है और फिर जुलाई में भारत ने अचीव कर लिया अपना लैंडमार्क 200 करोड़ कोविड वैक्सीन का तो ये है 16 जनवरी 2021 को हमने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था यह पूछा जा सकता है कि इंडिया नेशन वाइड कोविड 19 वैक्सीन प्रोग्राम 16 जनवरी को लॉन्च किया गया था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं नरेंद्र बत्रा जी और आपको बताना है कि कौन से ऐसे वेस्टइंडीज के प्लेयर हैं जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है ये है आपके दिनेश रामदीन बहुत लोग ऑस्ट्रेलिया देखते हैं कंगारू फेक फेंकने लगते भेजने लगते हैं ठीक है इंडिया का एक्सपैक्ट इन साइडर इनसाइड रेटिंग में थर्टी सिक्स रैंक है आई टी बी पी ने क्रिएट किया है माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग सेंटर इसको कहाँ पे बनाया गया है सिक्किम में बनाया गया है ठीक है आई टी बी पी ने सिक्किम में इसको बनाया है इंग्लैंड के ऑलराउंडर रिटायर कर चुके हैं इनका नाम है बेन स्टोक्स फिश फार्मर डे कब मनाया जाता है गाइस थोड़ा सा हरियाब ऑफ जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है काफी बार डिस्कस हो चुका है इलेवेंथ ऑफ जुलाई को मनाया जाता है डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन बन चुके हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी हम लोग पढ़ेंगे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन बन चुके हैं ये बन गए हैं आर के गुप्ता वर्ल्ड पीस फोरम कौन से कंट्री में होने वाला है तो ये कौन सा कंट्री है बता दो जल्दी से बेन स्ट्रोक्स पैर से क्यों हंस रहा हूं ठीक है तो ये है चाइना बीजिंग फाइन किस फ्रूट का हम लोग नेशनल कॉन्क्लेव करने वाले हैं किस फ्रूट का हम लोग नेशनल कॉन्क्लेव करने वाले हैं तो यह है ड्रैगन फ्रूट ठीक है सुपर फ्रूट भी कहते हैं हम लोग इसको नेक्स्ट है छत्तीसवा नेशनल गेम्स इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है किस स्टेट में इसको ऑर्गेनाइज गुजरात में किया जा रहा है न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बन गए हैं मतलब कि अभी मुराली अयर यह ईक्या के बने हैं इकिया अटल मतलब अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर यह मोदी जी ने दिल्ली में इनोग्रेट किया है इग्नाइटिंग यंग माइंड्स इग्नाइटिंग यं, यंग माइंड्स रिजुविनेटिंग रिवर्स इसका थीम क्या है इसका थीम है फॉरेस्टेशन। आई एफ ए डी जो कि ऑलरेडी एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन का यहां पर एलवार एलवारो लाडियो जो है नए प्रेसिडेंट बन गए अब कुछ क्वेश्चन हमने आपके वो वाले सेशन से डाले हैं जो सिक्स मंथ करेंट अफेयर्स था अग्निवीर योजना का क्या एज है चलिए धीरे कर दिया हमने साढ़े सत्रह साल से तेईस साल ओके इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जून पृथ्वी टू को हमने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है कहां पे चांदी ओडिशा में योगा डे सेलिब्रेट करने का आइडिया किसका था मोदी जी का था बोलट तुर्कली तुर्कली कनोव रेसलिंग 2022 कंपटीशन बाईस हुआ है अल्माटी कजाकिस्तान में हुआ है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है फिफ्थ ऑफ जून को मनाया जाता है थीम क्या रहा है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का ओनली वन अर्थ रहा है कल हमने वन सन वन अर्थ वन ग्रिड भी पढ़ा है वन वर्ल्ड पूर्व संप्रीति सम्प्रति एक्सरसाइज इंडिया बांग्लादेश के बीच होता है यह कहां पर हुआ है बांग्लादेश में हुआ है इस बार ओके आई एल एम टी इंटरनेशनल लिक्विड मिररर टेलीस्कोप जिसको हमने देवस्थल उत्तराखंड में डाला है ये जो है ये क्या है तो ये एस्टेरॉयड सुपरनोवा स्पेस जेब्रेस और इन सारी चीजों को देखने के लिए बनाया गया है और ये हमने देवस्थल उत्तराखंड में डाला है हर घर दस्तक 2.0 पॉइंट कैंपेन क्यों किया गया है लोगों को प्रॉपर वैक्सीनेशन देने के लिए किया गया है तो ये बी हो जाएगा इसका ठीक है सेकेंड वाला आ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं शहबाज शरीफ तेईसवें हैं याद रखेंगे नेशनल फायर सर्विस डे चौदह अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल फायर सर्विस डे का थीम क्या रहा है थीम रहा है आपका लैंड फायर सेफ्टी इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है फिफ्टींथ ऑफ अप्रैल ग्रैमी के लिए बेस्ट चिल्ड्रन कैटेगरी में फाल्गुनी शाह को मिला है अवार्ड ग्रैमी अवार्ड कलरफुल वर्ल्ड इनके एल्बम का नाम है हम लोगों ने अपना एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है इस साल 2021 से 2022 का है ओके okay, बीजेपी अपना फाउंडेशन डे सिक्स अप्रैल को मनाती है थीम क्या रहा है मदर अर्थ डे का तो इस बार का थीम रहा है इन्वेस्ट इन योर प्लान ई संजीवनी गाईज थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दो एबीसीडी तो लिखना है तुमको ई संजीवनी टेलीकम्युनिक टेली कंसल्टेशन टेली सर्विस फैसिलिटी ठीक है ये आप बताइए तो ये शुरू हुआ है गवर्नमेंट ने ऑफर किया है सिटीजन को कि ओपीडी डॉक्टर से ये कंसल्टेट कर सकते हैं ऑनलाइन ये स्कीम शुरू हुआ था नवंबर 2019 में आज का जो होमवर्क है वो है कि यूएस का काटसा और रशिया का एस फोर ये आपका होमवर्क है जो आपने करके जाना है ठीक है बाकी बैचेस लॉन्च हो चुके हैं अग्निवीर के बैचेस है आपके पास एफ कैट है सी ए पी एफ है सी डी एस है ये सारे बैंचज है अगर आपको सारे बैचेज एक साथ चाहिए आप डिफेंस का महापैक ले सकते हैं कोड आपने यूज करना है वाई थ्री थ्री टू ये आपका है महापैक डिफेंस का महापैक जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा ये एस एस सी जेई के बैचेज है क्लासेज ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं प्लीज आई विल रिक्वेस्ट कि एक भी क्लास आप मिस ना करें चाहे वो अट्ठारह जुलाई का मैकेनिकल का क्लास हो जिसका आज अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस क्लासेस मिस हो जाएंगे ठीक है और 20 जुलाई को आपका आ, ये बाकी बैचेस इलेक्ट्रिकल और सिविल का शुरू हुआ है तो 20 को शुरू हुआ है यानी बीस इक्कीस और आज बाईस थर्ड क्लास है तो दो क्लासेस मिस ना हो इसलिए जल्दी से बैचेस में ज्वाइन कर लें और नॉन टेक का भी अलग से है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है और बाकी बैचेस जैसे कि ए है डी है अच्छा एम सब इंजीनियर का कल फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुका है काफ़ी कम टाइम है एक तारीख मतलब आपका सितंबर में एग्जाम होगा तो उसके लिए भी 45 डेज पचास डे है आपके पचास दिन आपके पास तैयारी तो आप बिल्कुल जोरों शोरों से करिए है ना और ये है आपका मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रिकल का महापैक अगर कोई नए स्टूडेंट है आपने बस क्या करना है कि आपको इस तरह से गूगल में जाना है गूगल में जाते ही आपने टाइप करना है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन ट्वेंटी फोर सेवन जब आप टाइप करते हैं तो क्या होगा आप इस वेबसाइट पे जाएंगे वेबसाइट पे जाते ही आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे ऑल कोर्सेज में आप अगर डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे ठीक है और अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं और आप अगर अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि नेवी अभी वायु के एग्जाम तो 24 तारीख से शुरू हो जाएंगे मुझे बताइएगा कि आपका कमेंट सेक्शन में कि कहाँ है सेंटर और किस दिन है एग्जाम ठीक है Y332 थ्री अप्लाई कर दीजिएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा बहुत अच्छा डिस्काउंट जिससे आप अपनी नेवी की तैयारी शुरू कर सकते हैं तो ये है आपका ये वाला बैच और डिफेंस का अगर आप कर मतलब इंजीनियरिंग का करते हैं तो ये है आपका महापैक जिसमें आपका डबल वैलिडिटी ऑफर है तो आई सजेस्ट कि आप महापैक ले लीजिए क्योंकि देखिए अभी आप एम का भी प्रिपरेशन करेंगे एस का तैयारी करेंगे फिर आपको आर का तैयारी करना है तो इसलिए महापैक इज द बेस्ट थिंग ये सिविल का महापैक है जिसमें आपको सब कुछ एक साथ मिल जाएगा और टेक्निकल नॉन टेक सब कुछ टेस्ट सीरीज ये रहा वीडियो कोर्सेज ये रहा ई बुक्स ये रहा और ऑनलाइन क्लासेस ये रहा ठीक है तो टेस्ट सीरीज आपको टोटल मिलता है वीडियो कोर्सेज मिलता है सब कुछ उसी तरह से डिफेंस का जो महापैक है अभी देखिए डिफेंस के भी एग्जाम्स आने वाले हैं तो डिफेंस के महापैक में आपको ये सब मिल जाएगा एफ कैट सी ए सब कुछ और जो बच्चे अभी एकदम एग्जाम उनका सिर पे है प्लीज टेस्ट बनाना शुरू कर दो टेस्ट के लिए आपने कोड यूज करना है वाई थ्री थ्री टू और यहाँ पे एस लगा देना है ठीक है तो आपको थ्री थ्री वन रुपीज में ये टेस्ट पैक मिल जाएगा दो क्लासेस यूट्यूब पे हो रही हैं दोनों बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं एक क्लास आपकी होती है बारह बजे जो कि इंजीनियर अड्डा पे है इसमें मैं आपको जी के स्टार्टेक करा रही हूँ जैसे आज पॉलिटी की थर्टीन क्लास है जिसमें अटॉर्नी जनरल होगा ऑलरेडी बारह क्लासेस हो चुकी हैं आप उसको देख सकते हैं प्ले आपको मिल जाएगा और तीन बजे आपका होता है जैसे बहुत सारे बच्चे ना परेशान रहते हैं कि मैम मिसलेनियस कैसे करें और फ्रेंकली स्पीकिंग की सिलेबस इस टाइप का होता है कि हम लोग खुद उसमें मिसलेनियस नहीं करवा पाते हैं अब मान लीजिए कि एक बैच कंप्लीट हुआ अचानक से कोई न्यूज में आ गया मिसलेनियस है ना तो इसीलिए हम लोगों ने तीन बजे मैंने प्लान किया है कि तीन बजे मैं आपको एक सेशन दू जो कि सबके लिए है क्योंकि वो यूट्यूब पे है उसमें आपके मैक्सिमम मिसलेनियस चीजें हों जैसे कि फर्स्ट क्लास था प्ले मतलब उसका पार्ट टू भी आएगा अगर आपको लग रहा होगा कि मैम आपने वो वाला टॉपिक नहीं बताया तो उसका पार्ट टू भी आएगा तो फर्स्ट था आपका प्लेसेज इन न्यूज उसको देखिएगा सेकेंड जो रहा आपका सेकेंड आपको मिला एग्रीकल्चर मिला है ना एक आपका रहा आ, डिफेंस कल हमने किया है तो तीन क्लासेस हमने कर दी हैं ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे यस और ट्यूसडे से शुरू किया था मैंने मंगलवार का दिन था तो आज आपका है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी तो उसको आप कर लीजिएगा ठीक है ठीक चले थैंक यू एवरीवन